सी मैं मक्खी हूँ यानी कि आई एम बी, मुझे कौन नहीं जानता, हु डजंट नो मी, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। आप क्या कोई ऐसा प्लेस देख रहे हैं जहाँ पर मक्खी नहीं पहुंच सकती या फिर मक्खी ना हो? सो देयर इज नो एनी प्लेस दैट इट कैन गो, राइट? तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। There is no any place whenever I don't know or I don't go, right? हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। हाँ, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर मक्खी नहीं जा सकती। कौन सी ऐसी जगह है? Clean वाली, right? जहाँ पर cleanliness होता है वहाँ पर मक्खियाँ नहीं जाती। यानी कि सफाई से मैं बहुत दूर भागती हूँ। आपने देखा होगा जहाँ पर हम साफ सुथरा रखते हैं, जहाँ पर कुछ गंदी चीजें ना हो, ठीक है, वहां पर मक्खी नहीं पहुंच सकती, राइट? सो आई कांट गो देयर व्हेनेवर क्लीननेस, राइट? गंदी चीजें मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक वेरी मच बैड थिंग्स, राइट? तो मुझे गंदी चीजें बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा होगा जहां पर कूड़ा होता है, कचरा होता है, वहां पर ज्यादातर मक्खियां होती है। गंदी चीजों में रोगों के जंतु रहते हैं। ज्यादातर जहाँ पर गंदी चीजें रखी होती है, सड़ी हुई चीजें रखती है, वहां पर हमें मक्खियां दिखाई देती है। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। यानी कि जो उसके ऊपर जंतु होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं, तो माखी क्या करती है, जो मक्खियां होती है वो क्या करती है, तो वो गंदी चीजों पर बैठती है, फिर उन पर जो बैक्टीरिया होते हैं उसे लेकर कहीं और जगह पर फैलाती है, रखती है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। इट मीन्स बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो। बहुत सी बीमारियां मेरे कारण ही फैलती है। लॉट्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय मी, ओके? यानी कि मैं कई सारी बीमारियां, जैसे आपने देखा होगा जो फ्लूज होते हैं, कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो गंदी चीजें हमारे पेट में जाती है उसकी वजह से होता है, ओके? सो बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। की क्लीन योर हाउस एंड योर एरिया फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिसीज, ठीक है। तो डिसीज से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हमेशा आपको अपना घर, आपको अपना मोहल्ला यानी कि सोसाइटी जो एरिया होता है जहाँ पर आप रहते हैं उसे हमेशा साफ रखना चाहिए। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहां पर नहीं आऊंगी। अगर आपका घर क्लीन होगा, कहीं पर कुछ भी गंदी चीजें बिखरी ना हो, कुछ गंदा गंदा बचा हुआ ना हो, तो वहां पर मक्खियां नहीं आएंगी। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। यानी कि वो हमें एक टाइप से वार्निंग दे रही है कि मेरे तुम्हारे यहाँ पर मेरे न आने में ही तुम्हारी भलाई है। क्योंकि अगर ज्यादातर मक्खी हमारे यहाँ आएगी तो फिर इसे क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, कई सारी डिजीज लाएगी। जो मक्खियाँ होती है वो अपने साथ डिजीज लाती है, राइट? तो इससे क्या होता है, हमें झाड़ा उल्टी हो जाता है, फिर हमें फीवर आता है, राइट? तो ऐसी कई सारी बीमारियां होती है जिसकी वजह मक्खी होती है। हमें नहीं पता होता, लेकिन ऐसी कई बीमारियां है जो कि मक्खी के कारण होती है। तो इसीलिए कहा गया है, इसका इंटेंशन यही है स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसका इंटेंशन यही है कि आपको अपना होम जो है, आपको अपना घर है, आपकी अपनी सोसाइटी है, एरिया है, इसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ओके? जिसकी वजह से जो बीमारियां है वो फैल नहीं सकती, ठीक है। तो हम इजीली बीमारियां फैलने से इसे रोक सकते हैं। तो ज्यादातर यही अच्छा होगा कि आपके घर में मक्खियां ना आए, ओके? इज इट क्लियर? Let's see शब्दार्थ। पहले हम शब्दार्थ लिख लेते हैं। Sorry, just forget it. शब्दार्थ यानी कि new words. यानी कि new words. मक्खी, मक्खी यानी कि bees. B-E-E-B. It's already available in your book. बीमारिया यानी कि disease. D-I-S E-A-S-E-S, this, फिर है साफ सुथरा, it means clean, ये तो आप सब जानते होंगे, right? साफ सुथरा यानी कि clean, C-L-E-A-N, clean, फिर है मुहल्ला, मुहल्ला यानी कि street, S-T-R-E-E-T,
का मतलब होता है डर्टी और फिल्थ, F-I-L-T-H, फिल्थ यानी कि गंदगी, फी है कौन यानी कि हु, W-H-O, कौन यानी कि हु। फिर है नेक्स्ट वन जगह, जगह का मतलब होता है प्लेस, भलाई यानी कि गुडनेस, भलाई का मतलब होता है गुडनेस। और परिवार, परिवार यानी कि फैमिली, F-A-M-I-L-Y, ओके। सो प्लीज रिमेंबर इट्स पेस एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस न्यू वर्ड्स इन योर कॉमन होमवर्क नोटबुक, ओके, थ्री टाइम्स, ओके। सो यही तक हम रखते हैं, ओके, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। देन बाय, हैव अ नाइस डे।